नवी दिल्ली तो अमृतसर और अमृतसर तो दिल्ली जाने वाली रेल राही यात्रा करने वाले लिए खुशखबरी है। लगभग 169 दिनों तो जलंधर अमृतसर रेल खंड ते स्थित जंडियाला च जारी किसानों का धरना खत्म होने के बाद शनिचरवार तो अमृतसर दिल्ली चलन वाली शताब्दी एक्सप्रेस का संचालन दोबारा शुरू हो जाएगा। किसानों के धरने की वजह नाल ब्यास तरन तारण रूट से डायवर्ट की गई 14 जोड़िया मेल एक्सप्रेस से 2 जोड़ी पार्सल एक्सप्रेस ट्रेना का संचालन भी हूँ ब्यास तो सीधा अमृतसर तक होगा। फिरोजपुर मंडल दे रेल प्रबंधक राजेश अग्रवाल ने जानकारी दी है। DRM ने कहा कि किसानों का धरना खत्म होने के बाद जलंधर अमृतसर रेल खंड ते संचालित होने वाली ट्रेना का पुराना टाइम टेबल फिर तो लागू हो गया है। सर्वप्रथम मैं किसान संघर्ष समिति के सदस्यों को जो कि जंडियाला में पिछले 169 दिनों से अपना प्रदर्शन कर रहे थे उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि उन्होंने पंजाब की जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए अपना आंदोलन जंडियाला स्टेशन से हटा लिया है और दोनों यात्री गाड़ी और माल गाड़ी को वहाँ से जाने में अपनी सहमति दे दी है। जैसा कि आपको विदित है कि इसके फलस्वरूप हम लोग ब्यास तरन तारण के डाइवर्टेड रूट से 14 पेयर मेल एक्सप्रेस और 2 पेयर पार्सल एक्सप्रेस का संचालन कर रहे थे, जिनको कि तुरंत प्रभाव से इस डायरेक्ट रूट ब्यास टू अमृतसर वाया जंडियाला से चालू कर दिया गया है और इससे हमें समय की काफ़ी बचत हुई है। जो पुराना टाइम टेबल था वो रिस्टोर हो गया है। इसी तरीके 2 पेयर गाड़ियां हमारी और थी जो कि जम्मू जाया करती थी और उनको वाया अमृतसर जाना था और उनको हमने जलंधर से ही पठानकोट के माध्यम से भेज रखा था, जो कि संबलपुर और अहमदाबाद से आती हैं। उन दोनों गाड़ियों को भी अब वाया अमृतसर होकर पठानकोट होकर के जम्मू या वैष्णो देवी भेजा जाएगा। इसी तरह हमारी 6 पेयर गाड़ियां थी जो कि इंदौर अजमेर नांदेड़ बांद्रा टर्मिनल या कोरबा से आती थी, जिनको कि कैपेसिटी नहीं होने के कारण शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया था जलंधर में या चंडीगढ़ में या अम्बाला में। उन सभी 6 पेयर गाड़ियों को भी रिस्टोर कर दिया गया है और वो सभी गाड़ियां अब अमृतसर अपने गंतव्य मूल गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगी। जो 4 गाड़ियां कैंसिल थी उसमें से जो शताब्दी एक्सप्रेस है, मुझे बताते हुए बेहद खुशी है कि उसको हम लोग कल से ही 13 तारीख से ही रिस्टोर कर देंगे और बाकी जो 3 गाड़ियां हैं जो कि दरभंगा सहरसा और सियालदा से जाती थी उनके लिए प्रस्ताव भेजा गया है, क्योंकि उसमें बाकी और भी रेलवों के साथ कोऑर्डिनेट करना है इसलिए उसमें कुछ दिनों की संभावना है लग गया और उसको भी हम लोग शीघ्र सेवाओं को प्रारंभ करते हैं।